हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में। जहाँ पर आज हम देखेंगे मार्वल ज़ॉम्बीज़ 5 का एपिसोड 2, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं एक क्विक रिकैप, जिसमें हम मिलेंगे आर्मर के ज़ॉम्बी क्लीनअप क्रू से, जिसमें सबसे पहले नाम आता है मशीन मैन का एक नशीली रोबोट, दूसरी है जकाली केन एक बहुत तेज बंदूकबाज, हावर्ड एक गन वाला जोकर या फिर डक, और ये लोग जिन्होंने पहले कब्जा किया वाइल्ड वेस्ट पर और अब ये बन चुके हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि मशीन मैन के साथ ऐसा आखिर क्यों हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं हावर्ड को, जो टेलीपोर्ट होकर पहुंचता है एक जगह जहां पर मशीन मैन बहुत ही बुरे हालात में था और कह रहा था, आखिर जोकास्टा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो मुझे छोड़कर अपने एक्स हस्बैंड के पास क्यों चली गई। लेकिन हावर्ड उसे वहां से ले जाते हुए समझा रहा था कि डॉक्टर मॉर्बियस ने हमें उस ज़ॉम्बीज़म के सारे सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए कहा है, क्योंकि उनके पास उसका जेनेटिक कोड तोड़ने के लिए उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और आगे हम देखते हैं आज के समय में, जहाँ पर एक मार्शियन एक बेबी और उसकी माँ को पकड़ रहा था, और ये बात है अर्थ 691 की 2020 की, जहाँ पर मशीन मैन आकर कहता है, फ्लैशेस को तंग कर रहे हो, लेकिन ये तो मेरा काम है, और वो उस मार्शियन को उस मशीन से बाहर फेंक देता है। इस वजह से उस मशीन के टेंटेकल से बेबी और उसकी माँ वहाँ से नीचे गिरने लगती है, और ये देखकर डक उनकी तरफ भागते हुए कहता है, मैं सिर्फ 2 फीट 7 का हूँ और इस वजह से मैं तेज भाग नहीं सकता। लेकिन चेकाली वहाँ आकर उन दोनों को बचा लेती है। तभी वो मार्शियन खुद को संभाल कर मशीन मैन पर अटैक करता है और मशीन मैन उस पर अटैक करने पीछे मुड़ता है, लेकिन इससे पहले ही हावर्ड द डक अपनी गन निकाल कर उस मार्शियन को मार देता है। और तभी मशीन मैन उस औरत की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उस पर हमला होता है और इसमें उसकी राइट आर्म खराब हो जाती है। और तब हम देखते हैं कुछ लोगों को, जिसमें से एक उन दोनों से कह रहा था कि वहाँ पर मेरी बीवी और बच्चे हैं, संभल कर। ये देखकर वो औरत उनसे कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, उसने मेरी मदद की थी। जिस पर डक गुस्सा होकर उनकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम पीछे हटो, मैं इन्हें समझाता हूँ कि लोगों से कैसे बात की जाती है। लेकिन उसे शांत करते हुए वो आदमी कहता है, इसके लिए माफ़ करना, लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त को रिपेयर की ज़रूरत है तो हम उसे अपने हाइड आउट पर ले जा सकते हैं। वो आदमी उसे बताता है कि मार्शियन मास्टर्स यहाँ पर क्यों आए थे, ना किसी लॉफ्टली आइडियल्स के लिए, ना ही किसी रिसोर्सेज के लिए, वो यहाँ पर आए थे हमारे लिए, क्योंकि हम उन्हें अच्छे लगे टेस्ट में। उन्होंने हमारे फैक्ट्री फार्म शुरू किए डेथ ब्रीडर्स फैसिलिटी के साथ, जो यहाँ से कुछ ही माइल्स दूर है। हम में से कुछ अल्टरेशंस डिवीजन में कन्वर्ट हो गए और उन्हें ग्लैडिएटर बना दिया गया, लेकिन कुछ हमारे जितने लकी नहीं थे वो पैदा होते ही खा लिए गए। और यहाँ पर सभी लोग प्लान कर रहे थे कि इससे कैसे निपटा जाए और अपने सुझाव दे रहे थे। वही दूसरी तरफ एरॉन वहाँ पर अपने लिए एक नया हाथ ढूंढ रहा था, जहाँ पर वही आदमी वहाँ पर आता है, जहाँ पर एरॉन उसे कहता है, अगर तुम मेरा दूसरा हाथ तोड़ने आए हो तो पहले मुझे तुम्हारा मुंह तोड़ना होगा। जहाँ पर वो कहता है, मास्टर ने मुझे बायो इंजीनियर्ड किया था, जिसे मैं इम्पैक्ट बन चुका हूँ और मैं तुम्हारा डिस्पेयर फील कर सकता हूँ, और ये भी कि तुम्हारे इस फेस के पीछे अब भी एक हीरो मौजूद है और तुम लोगों की परवाह अब भी करते हो। तो अगर तुम सच में मरना चाहते हो तो तुम एक हीरो की डेथ डिजर्व करते हो। अगली सुबह जब जैकाली उठती है, तब वो देखती है कि वॉर शुरू हो चुकी है और वो किल रेवन से पूछती है कि बाकी के लोग कहाँ पर है, और स्पेशली एरॉन, जिस पर वो बताता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जिस पर वो कहती है, तुम्हारा क्या मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड। जिस पर वो उसे बताता है कि उसने उसे वो दिया जो उसके लाइफ के लिए ज़रूरी था और डेथ के लिए भी। और तभी वो देखती है प्रेग्नेंट लेडीज़ को, जो जॉम्बी बन चुकी थी। आगे किल रेवन उन लेडीज़ को मारने लगता है, जिस पर वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। जिस पर वो उसे बताता है कि मैं एक वॉरियर हूँ और ये एक वॉर है, हमने एनिमी के फूड सप्लाई को पूरी तरह से दूषित कर दिया। और इसी लड़ाई के बीच एक आदमी को एक लेडी काट लेती है, जिसका हाथ काटकर किल रेवन कहता है, माफ करना, लेकिन इन्फेक्शन ना फैलने के लिए ये करना जरूरी था। लेकिन तभी चेकाली उस पर गन तानते हुए कहती है, अब मुझे ये बताओ कि तुमने एरॉन के साथ क्या किया। जिस पर वो कहता है कि तुम्हारा दोस्त एक रोबोट है और उसने खुद को सेक्रीफाइस किया, उसने खुद को कैप्चर करवाया डेथ ब्रीडर से और उसके जरिए मैंने वो अनडेड टिश्यूज वहां पर फैलाए और इस तरह से हमने उस पूरे फूड सप्लाई को दूषित कर दिया। और तभी उन लेडीज में से कुछ जॉम्बी बच्चे बाहर आने लगते हैं। उन जॉम्बी बेबीज को देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उन सबको मार देते हैं। और तब चेकाली जाने लगती है ढूंढने एरॉन को,
जिस पर हावर्ड उसके साथ जाता है, लेकिन किलरेवन कहता है तुम उसे बचाने जा रहे हो जिसे बचाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे इसे इमीडिएट मेडिकल अटेंशन के लिए नहीं ले जाना पड़ता तो मैं भी तुम्हारे साथ आने वाला था। तभी उसे एक साइकिक बग मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि सारे मास्टर्स अपने प्लेनेट मार्स की तरफ वापस चले गए हैं, क्योंकि उनके लिए अब यह सुटेबल प्लेनेट नहीं रहा, और वो खुशी मनाने लगता है। तभी दूसरी तरफ चेकाली और हावर्ड एरन को ढूंढने आ रहे थे, जहाँ पर सारे डेथ ब्रीडर्स जो कि जॉम्बी बन चुके थे उन पर हमला कर रहे थे, और वो लगभग उन्हें मारने ही वाले थे। और उस वक्त वो दोनों पुकारते हैं एरन को, और तभी जॉम्बी डेथ ब्रीडर्स के बीच में फंसी चेकाली कहती है, हावर्ड मुझसे प्रॉमिस करो अगर इन्होंने मुझे काट लिया तो तुम मुझे इमिडिएटली गोली मार दोगे। इस पर हावर्ड कहता है तो मुझे कौन मारेगा, लेकिन तभी कुछ मशीनी टेंटेकल्स उन्हें ऊपर उठाते हैं और सारे जॉम्बीज को जला देते हैं। और तब हम देखते हैं मशीन मैन को, जिसे मारने के लिए डेथ ब्रीडर्स उस मशीन के ऊपर चढ़कर जा ही रहे थे, लेकिन आधे रास्ते में ही वो सभी मारे जाते हैं। उसे देखकर हावर्ड डक कहता है तुम्हें देखकर अच्छा लगा और अच्छा हुआ तुम हमें मिल गए। जिस पर मशीन मैन कहता है मुझे अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू, और मुझे इस काम के लिए वर्दी समझने के लिए भी। अब हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करें, और तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।